दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जितनी तेजी से समय गुजर रहा है और विधानसभा चुनावों की तारीख करीब आती जा रही है, उतनी ही तेजी से हर विधानसभा क्षेत्र पर जहां सिटिंग एमएलए अपना टिकट पक्का मानकर चल रहे हैं, वहीं नए नए उम्मीदवार नेतृत्व से अपनी टिकट के लिए जुगाड़ फिट कर रहे हैं। दोस्तों, बड़कल विधानसभा क्षेत्र में आज सिटिंग एमएलए सीमा त्रिखाजी हैं, वह हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भाजपा के वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर कपूर ने दावा किया है कि वह सीमा त्रिखा की जगह बड़कल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। यह दावा कोई जुबानी खर्च नहीं है, ये दावा उन्होंने बाकायदा फरीदाबाद के एक स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता के दौरान किया है। उनसे जब इसका आधार पूछा गया कि भई सिटिंग एमएलए और मंत्री की जगह भाजपा हाईकमान आपको क्यों टिकट देगा, तो उन्होंने दावा किया कि ये लोकतंत्र है, हर किसी को पार्टी में अब टिकट मांगना, चुनाव लड़ने का दावा करना उनका हक बनता है, इसलिए उन्होंने इस बार सीमा त्रिखा की जगह भाजपा हाईकमान से टिकट मांगा है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि उन्हें ही टिकट मिलेगा। और ना ही टिकट ही नहीं मिलेगा बल्कि वो सीट पर जीत कर दिखाएंगे। दोस्तों, उन्होंने जो ये दावा किया तो उसका जो आधार है वो क्या है, उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बैनर लगाया हुआ था। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं भाजपा नेतृत्व से या केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से श्याम सुंदर कपूर को कोई ना कोई इशारा मिला है कि आप तैयारी कीजिए और बड़कल सीट पर आपको टिकट दिया जा सकता है। किसी भी नेता का प्रेस वार्ता करके चुनाव का दावा करना इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। और जिस तरीके से श्याम सुंदर कपूर ने कृष्णपाल गुर्जर का बैनर लगाकर सरेआम दावा किया है, तो कहीं सीमा त्रिखा की छुट्टी तो नहीं होने वाली है बड़कल सीट से, कहीं उनका टिकट तो नहीं कटने वाला है। तो दोस्तों, श्याम सुंदर कपूर ने तो यहाँ तक भी दावा किया है कि जब सीमा त्रिखा जी राजनीति की शुरुआत कर रही थी और जब उन्होंने एनआईटी फरीदाबाद में पार्षद का चुनाव लड़ने का फैसला किया था, तो उनको जितवाने में श्याम सुंदर कपूर यानी मैंने खुद ने बहुत बड़ी मदद की थी और पार्षद के चुनाव में उनको जितवाया था। दोस्तों, इस मुद्दे पर जब कई सवाल किए गए तो उन्होंने खुलकर कहा कि बड़कल विधानसभा क्षेत्र की जनता सीमा त्रिखा जी के व्यवहार से खुश नहीं है, उन्होंने क्षेत्र में किए गए वादे पूरे नहीं किए हैं, चाहे वो सड़कों के निर्माण का मामला हो, चाहे सड़कों पर बह रहे सीवर का मामला हो, चाहे पानी की आपूर्ति पेयजल की आपूर्ति का मामला हो, चाहे बरसात में शहर के जलमग्न होने का मामला हो,
जैसे ही बरसात आती है शहर की सड़कें तालाब बन जाती हैं। तो वो श्याम सुंदर कपूर दावा करते हैं कि कोई ऐसा कारण दिखता नहीं है कि जिससे इस बार भी, तीसरी बार भी सीमा त्रिखा जी को बलकल सीट से टिकट दिया जाए। और आप जनता में सर्वे करा लीजिए कि बड़कल विधानसभा सीट पर सीमा त्रिखा जी से क्षेत्र की जनता बहुत नाराज है, इसीलिए वो मैदान में कूदे हैं और वो चाहते हैं कि वो इस बार बड़कल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ें। और जो जनता के विकास कार्य पिछले 10 सालों में सीमा त्रिखा जी के एमएलए रहते हुए पूरे नहीं हुए हैं उनको वो पूरा करवाएं। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी जी की भी भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि उन्होंने गरीबों को 100-100 गज के प्लाट देने की जो घोषणा की है इससे गरीबों को बहुत फायदा होगा, ये प्रशंसनीय कदम है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि जो बड़कल क्षेत्र की समस्याएं हैं जो नहीं हुई हैं जिनका मैंने उल्लेख किया है, यदि मैं चुनाव जीता तो पूरी जी जान से इन समस्याओं का समाधान करूंगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि फरीदाबाद में अब भी लगभग 65,000 झुग्गी बस्तियां हैं, सिलम बस्तियों में लाखों लोग बसते हैं, ये वो लोग हैं जो स्थानीय छोटी छोटी वर्कशॉपों में, फैक्ट्रियों में काम करते हैं या रेड़ा ठेली लगाकर छोटे छोटे मजदूरी का काम करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये गरीब लोग हैं और इनके पास इतना पैसा नहीं है कि महंगे फरीदाबाद जैसे महंगे शहर में ज़मीन खरीद कर अपने मकान बना सकें, इसलिए वो सरकार से मांग करते हैं। और यदि वो एमएलए बने तो जो ये 65,000 झुग्गियाँ हैं इनको सरकार से, जो जहाँ झुग्गियाँ बस्तियाँ हैं उनको वहीं नियमित कर पक्की करने और वहाँ पर विकास कराने के लिए काम करेंगे। वहाँ बिजली, पानी, सड़क सब काम किए जाएंगे, उनको हर सुख सुविधा दी जाएगी। चूँकि फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल टाउन है और इंडस्ट्रियल टाउन में सबको पक्के मकान बना के सरकार नहीं दे सकती, तो कम से कम उन झुग्गियों में उन्हें नियमित तो कर ही सकती है। उन्होंने और भी कही दावे किए इस मामले में और कृष्ण पाल जी की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने दावा किया कि कृष्ण पाल जी तीसरी बार इसलिए फरीदाबाद से सांसद बने हैं और नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भी उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया है, चूंकि वो एक कामयाब मंत्री हैं, कामयाब सांसद हैं और पहले कामयाब एमएलए और हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे हैं। और उनकी सफलता का राज है कि वो हर समय क्षेत्र की जनता के सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं और हर किसी के सुख दुख को बांटने में 24 घंटों तत्पर रहते हैं। रात दिन वो वहाँ हर जगह पहुँचते हैं जहाँ उनको बुलाया जाता है। और उन्होंने क्या क्या बातें की, पत्रकारों ने क्या क्या सवाल किए, आप उनकी इस वीडियो में देख सकते हैं। बड़ी मज़ेदार प्रेस वार्ता थी, बड़े मज़ेदार सवाल थे, आप भी देखिए उन्होंने क्या क्या कहा। काटने का सिर्फ मेरा नहीं, जितने बीजेपी के यहाँ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं सबका मांगने का जी, वो काटने या कटवाने ये तो बात की बात है, पर पार्टी का सर्वे है, पार्टी की अपनी जब गवर्नमेंट लानी है तो भाई जीतने वाला कैंडिडेट चाहिए, जो भी अच्छा लगेगा जीतने वाला वो उसी को टिकट देंगे, चाहे वो सीमा त्रिखा हो, चाहे वो श्याम सुंदर कपूर हो या कोई हो। नहीं, आपको भी तो आश्वासन मिला होगा ना कपूर साहब, तभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। इशारा तो ऐसे की इशारा जहां तक संबंध है, इशारा पब्लिक होती है, लीडर बाद में होता है,
ऊपर बात जो पब्लिक मेरे साथ नहीं है तो लीडर क्या करेंगे, बेचारा क्या करेगा, मतलब सीमा मेरे साथ पब्लिक है, मतलब पब्लिक सीमा जी को पसंद नहीं कर रही। मैं ये नहीं कह सकता, ये पब्लिक जाने, आप कर रहे हो पसंद कर रहे हो ऐसे जी बात जरूर। मैंने तो पिछली दो बार मैंने इनको तो सुनो, आज सीमा को मैंने पार्सल मैंने ही खड़ा किया था, आपको पता ही है, ये बहुत बड़ा बयान मैंने किया था, ये दुआया भी था और उसको बार बार हमने एमएलए भी मदद की। जिसको पार्टी देगी उसकी मदद करें, चाहे वो सीमा हो चाहे कोई हो, सेम गेम खेल रहे हो। गेम तो डिमांड है सर, जनता की। ऐसे अभी तो सेम ही खेलना पड़ेगा, ये तो बात की कहानी बात देखेंगे। मतलब सीमा त्रिखा को जिताने वाले बनाने वालों में भी आप हैं। बिल्कुल, पार्षद बनाने वाला मैं हूँ, दो राय नहीं खड़ा करने वाला मैं हूँ। लेकिन आप अश्विनी से पूछ लो, लेकिन आप से पूछ लो, लेकिन जब सीमा त्रिखा को पार्षद बनाया तो आपका भाई क्यों हार गया पार्षद में, उसको क्यों नहीं जीता पाए? भाई को मैं 50 दफा मना किया, मत खड़ा हो, क्या उस लायक नहीं था, आप बोल रहा हूँ। और तो मेरी मदर ने कहा नहीं मान रहा तो सीट बात मन की हार जाएगा बुरी तरह से, वो हार माँ के कहने पर दिया क्या तुम? और गौतम साहब हुकुम करो। चलो आप लोग आए, आप सबका गिर साहब के हमारे बीच में बैठे हैं। नहीं, मंत्री के खिलाफ आपने खम ठोक दी है। देखो जी, मैं किसी के खिलाफ नहीं कहता, मैं तो पार्टी को आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। नहीं, एक चीज तो आपके फेवर में जाती है कि जनता तो नाराज है, काम हुए नहीं है मंत्री के द्वारा 10 सालों में, लगभग काम ना के बराबर है और यहाँ की जनता नाराज है। वो क्यों नाराज है? क्योंकि आप पार्टी के मेंबर भी हैं, नेता भी हैं, वरिष्ठ नेता, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जनता क्यों नाराज है, क्यों काम नहीं किया एमएलए? देखो जी, काम करना ना करना विधायक का अपना अधिकार है, और अगर रिजल्ट अच्छे मिलते हैं तो जनता बार बार बनाते हैं। ऐसे विधायक भी हैं जो 7-8 दफा बने हैं। मेरे एक मित्र, अब की बार टिकट मिलेगी तो जीतेंगे। अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो किसी और पार्टी से टिकट लेके चुनाव कोई इरादा नहीं है, बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे, बात खत्म। अब नहीं बदलो, कहीं जाने का नहीं मिले कोई बात नहीं, सेवा करते रहेंगे, है जी, नहीं मिली तो नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, और दल बदल भी नहीं करेंगे आगे, ये फाइनल है, दल बदल का तो काम ही नहीं है। मैं गुस्ताखी बात, ऐसा दिखा गया कि कोई भी नेता जो है वो दल बदल कब करते हैं, जब उन्हें कोई ना कोई प्रलोभन दिया जाता है। हमारे श्याम सुंदर कपूर ने कभी भी अगर कोई पार्टी छोड़ी है तो पब्लिक के लिए छोड़ी है। नहीं, लोगों जहां पब्लिक की बात नहीं सुनी गई, पब्लिक का काम नहीं हुआ, तो श्याम सुंदर कपूर ने छाती ठोक के कहा अगर पब्लिक का काम नहीं होगा तो मैं इस पार्टी में नहीं रहूंगा। नहीं नहीं, ये भी कपूर साहब के बारे में ये भी लोगों का कहना फरीदाबाद के कपूर साहब राजपूत हैं, जिसका राज तो ये बताओ ना, हमारे साथ इतने अच्छे हैं कि हम राज बना लेते हैं। उसमें तो एक्सपर्ट हो, लेकिन राज वालों ने हमारी जो बंसी लाल जी को छोड़ के किसी ने कदर नहीं किया अभी तक। चलो कृष्ण पा, नहीं नहीं बीजेपी में तो आए हैं, सेवा करेंगे तो कुछ मिलेगा, पेड़ एक दिन में थोड़ी बड़ा हो जाता है, पौधा लगेगा, बीज नहीं बीज डल देगा, पौधा हमें आएगा, बीजेपी कदर कर रही है तभी हम टिके पड़े हैं। कपूर साहब, आपने झुग्गी झोपड़ियों का जब उठाया है, जैसे यू बजाज साहब कह रहे थे कि अगर यहाँ भी वो पूरा नहीं हुआ तो क्या इस पार्टी को तब छोड़ेंगे? नहीं जी, इसके लिए संघर्ष करेंगे, इनका हक दिलवाएंगे, पार्टी में रह करेंगे, हाँ अपनी पार्टी में रहकर आवाज उठाते रहेंगे। अगर पूरी नहीं हुई तो? नहीं हुई तो भाई वो पब्लिक अपने आप जवाब देगी, फिर चुनाव भी तो आ रहे हैं। हाँ चुनाव आ रहे हैं, अगर अगर लोगों की समस्या उठाओगे और हल हो जाएंगी तो लोग साथ हैं, नहीं नहीं है, लोग का अधिकार है उस दिन वोट देने का। चुनाव तो पहले आसपास दिनों में तो जाता ही नहीं लगता है। ये 5-10 सालों में अभी आपको क्यों याद आई ये बात, चुनाव के समय?
चुनाव के समय तो सब पार्टियों को बहुत कुछ याद आ जाता है। अच्छा तो आपको भी आ गया? नहीं आता है, और ये चुनाव के समय ही काम होते हैं। अगर ये चुनाव का ऐसा मौका होता है कि लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं, उसके अमल किया जाता है। आज बहुत सारी स्कीमें हैं वो चल रही हैं। आप देखो 100-100 गज का प्लाट भी दे रहे हैं, और हाईवे बेस से जब इन्होंने झुकियां हटाई उनको आशाना में दे रहे हैं, तो काम तो काफी कर रहे हैं। नहीं 100-100 गज के तो प्लाट जो पूरा आपकी पार्टी जो पुरानी थी कांग्रेस, उन्होंने भी दिए थे। वो मिले नहीं थे, अनाउंस किए थे, लेकिन अब देना चालू कर रहे हैं। मिले थे और गरीबों को देने भी चाहिए। दस साल के बाद याद आइए। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना, मिलते हैं फिर कल एक नए मुद्दे के साथ नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।